हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू डार्कनेस राइजेस वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ट गियर्स फॉर रैंकिंग बकुड़ा एंड नॉर्मल बकुड़ा। सो देखते हैं कि कौन सा गियर सबसे हाई डैमेज देता है बकुड़ा को, नॉर्मल में भी और रैंकिंग में भी। सो टेस्ट करते हैं। तो अभी मेरा पावर आप देख सकते हैं कि 100 मिलियन प्लस है। ओके, तो अभी 100 मिलियन। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं। सो अभी देख सकते हैं मेरा पावर 100 मिलियन प्लस है और मैंने ये अल्टीमेट और ये पीवी और ये पीवी और ये अल्टीमेट, टू अल्टीमेट और एक नाइट्स ऑफ लूंडेल लगाया है, तो और बाकी सब पीवी एसेसरीज है। सो ये सिर्फ पावर इंक्रीज कर रही बट मेरा डैमेज इंक्रीज नहीं कर रहा है। सो इससे देख सकते हैं मेरा डैमेज लो है बिकॉज अभी मैंने ना ही पीवी वेपन यूज़ किया है और ना ही पीवी एसेसरीज यूज़ किया है और देख सकते हैं कि और ना ही लाइट्स ऑफ लूंगे, बट ये मुझे ज़्यादा पावर दे रही है और इंक्रीज कर रही है। सो इसका मतलब कि सिर्फ पावर इंक्रीज करने से डैमेज हाई नहीं होता है और डैमेज हाई करने के लिए इसमें पावर डिपेंड नहीं करता है, पावर चाहे जितना भी हो बट अगर डैमेज आपका गियर सही रहेगा तो डैमेज भी सही रहेगा। सो देखते हैं कौन सा गियर है जो सही देगा डैमेज। सबसे पहला जो सेट है वो रैंकिंग बकुड़ा और नॉर्मल बकुड़ा के लिए, वो एक पीवी वेपन है। सो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, नाइट्स ऑफ लूंडेल वाला, अदरवाइज आप इसका सेट भी एक पीवी वेपन यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकेंड है वो पीवीपी, टू पीवीपी है जो इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। सो देखते हैं, मैंने ये लिया है और सेकेंड जो है मैं वो हेल्म लेता हूँ टू पीवीपी। सो इससे आप देख सकते हैं क्रिट रेट इंक्रीज कर रहा है 70% क्रिट रेट। और ये जो है अल्टीमेट के बदले मैं यहाँ पे बैटलफील्ड यूज़ कर रहा हूँ, बैटलफील्ड कैप एंड बेल्ट। सो इसे जो है डैमेज इंक्रीज करेगा, डिफेंस पेन इंक्रीज करेगा 8%। सो देख सकते हैं आप स्टेट बोनस में डिफेंस पेन इंक्रीज 8%। सो डिफेंस पेनिट्रेशन इम्पोर्टेंट है डैमेज के लिए और ये डैमेज ज़्यादा देता है। और जो है जितना भी पीवीपी एसेसरीज है सबको पीवी में एक्सचेंज करते हैं क्योंकि पीवी में पीवीपी एसेसरीज कोई काम की नहीं है, इसी पावर इंक्रीज के लिए। सो अभी देख सकते हैं मैं पावर काफ़ी डिक्रीज हो रहा है, लगभग 86 मिलियन 81 मिलियन हो चुका है और जो लास्ट वाला है उसको भी इंक्यू करते हैं। ओके, लगभग 80 मिलियन 20 मिलियन पावर डिक्रीज हो गया बट मेरा डैमेज फिर सही है। और इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, इसमें सही है और कॉस्ट्यूम में बाकी सब सही है। देख सकते हैं मैं पावर 80 मिलियन हो गया है और पीवी पावर देखा जाए तो सिर्फ 66 मिलियन पीवी पावर है, बस ओनली 66 मिलियन। सो इससे देखते हैं टेस्ट करके। सबसे पहले नॉर्मल पे टेस्ट करते हैं। ओके, सो अभी मैं रैंडमली खेल रहा हूँ। अब देखते हैं कितना डैमेज दे पाता हूँ। सो ये नॉर्मल है, इसके बाद रैंकिंग में देखेंगे। और मैंने जो अवेकनिंग अल्टीट्यूड यूज की है वो ब्लड थ्रस्टी है और मैडनेस है।
30% डैमेज दिए हैं अभी तक। ओके 93% लगभग, देखते हैं कितना डैमेज दिए हैं। तो 90.1% डैमेज दिए हैं और सबसे ज़्यादा डैमेज भी मुझे ही मिला 145 बिकॉज मैंने ध्यान नहीं दिया, बट फिर भी सही है कि देख सकते हैं आप लोग 90% डैमेज कम नहीं है। 49% ओके, और देखते हैं दूसरा में, और एक बार देखते हैं नाइट्स ऑफ लुंडेल गियर यूज़ करके। और रैंडमली खेल लेते हैं, इस बार थोड़ा हाई पावर वाले हाई सीपी वाले प्लेयर के साथ देखते हैं, बट नो एनीवन कम। सो मैं यहाँ सिर्फ टेस्ट के लिए दिखा रहा हूँ कि कितना डैमेज ये दे सकता है हाई सीपी वाले प्लेयर से। सो बट हाई सीपी वाले प्लेयर कोई नहीं है। ओके सो एक मिला 81 मिलियन। सो देखते हैं क्या इससे ज़्यादा डैमेज दे पाऊँगा। सो ये भी रैंकिंग बकुला के लिए आई थिंक ये भी काफ़ी डैमेज देगा बिकॉज आई थिंक इसने लुंडेल गियर यूज़ किया है। सो लुंडेल गियर ये पीवीपी वाले सेट से काफ़ी अच्छा है। मैंने ज़्यादा डैमेज दिया देख सकते 48%, और जो जिसने लुंडेल वाला आई थिंक लुंडेल वाला ही गेयर यूज़ किया है तो उसने 34%, बिकॉज मैंने अपना अवेकनिंग अल्टीमेट यूज़ कर दिया तो उससे हाईएस्ट डैमेज मिल गया, मुझे हाईएस्ट डैमेज दे दिए, और जो डैमेज रिसीव हुआ वो 0% है, और बाकी जो तीसरा बंदा है वो सिर्फ ओनली 60% ही दे सका है, बट यहाँ पर 48% है। तो देख सकते हैं डैमेज भी हाई पड़ता है, और अगर देखा जाए नाइट्स ऑफ लुंडेल वाले के साथ तो उसके साथ भी एक बार देख लेते हैं। नाइट्स ऑफ लुंडेल क्योंकि मैंने दोनों गियर्स को रेडी रखा है और मैं नाइट्स ऑफ लुंडेल रैंकिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो रैंकिंग के लिए नाइट्स ऑफ लुंडेल काफ़ी सही है। सीपी हो चुका है 88 मिलियन गाइस, और इसके मुकाबले सीपी देखा जाए तो 866 और 88। तो यहाँ पे थोड़ा अवेकनिंग अल्टीट्यूड्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर आप रैंकिंग बकुड़ा खेल रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ब्लड थर्स्टी और मैडनेस, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप एक्स्ट्रा में ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं, बट अगर आपके पास 7 पॉइंट है तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं रंगी बकूरा में। अगर आप नॉर्मल खेल रहे हैं तो नॉर्मल के लिए तो मैडनेस सही है, नॉर्मल के लिए तो मैडनेस सही है, और मॉन्स्टर हंटर सही है, और ताकि में बॉस हंटर सही है, ये टीम नॉर्मल के लिए। और देखते हैं नॉर्मल में, ओके सो नॉर्मल इसका देखते 88 मिलियन सीपी है। पावर
पर मैटर नहीं करता गाइस। सो बस देखते हैं कितना डैमेज दे पाता हूँ मैं। इस बार फिर मैं अवेकनिंग से एक बार देखूँगा, अवेकनिंग डायरेक्ट यूज करूँगा, अवेकनिंग अल्टीमेट वाला, और उससे फिर देखेंगे कितना डैमेज दे पाते हैं। लो सीपी वाले प्लेयर्स भी ए टू बैटलफील्ड टू पीपी और वन पीवी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पावर मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो सिर्फ गियर्स, सही गियर्स जो कि डैमेज हाई दे। सो यहाँ पे देख सकते 39% और दूसरा 1.09%। सो सीपी का डिफरेंस था, बट सीपी और यहाँ पे जो डैमेज रिसीव है वो क्लॉक 200 के आसपास है, 2.57%। और सबसे कम डैमेज सीपी है, नहीं सबसे कम सेकेंड नंबर, और यहाँ पे 59% डैमेज दिए हैं क्योंकि मैं अल्टीमेट अवेकिंग नहीं यूज किया इसमें। तो यहाँ पे आप लोग खुद फर्क देख सकते हैं, और एक बार रैंकिंग भी देख लेते हैं, रैंकिंग में कितना डैमेज दे पाते हैं। तो बफ लेना नहीं भूले, और सो यहाँ से बफ ले सकते क्रिट रेट एक्स्ट्रा और क्रिट डैमेज एक्स्ट्रा। और यहाँ पे मेन जो अवेकन इसकी अवेकनिंग अल्टीब्यूट्स वो ब्लड थर्स्टी और मैडनेस होना चाहिए रैंकिंग का पूरा के लिए। और जो पेट है वो देख लीजिए डिफेंस पर इंक्रीज और अटैक इंक्रीज 9.7%। सो पेट का ये ट्रेड्स काफ़ी अच्छा है, आप डिफेंस पेन और साथ ही में डिफेंस पेन रेस भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफेंस पेन के साथ क्रिट रेट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेड भी अच्छा है, और ये ट्रेड से अटैक पे ही सही है, बाकी डिफेंस पे इतना सही नहीं है। तो इस पर टेस्ट करते हैं, रैंकिंग का पूरा। ओके सो पावर डिक्रीज, ओके 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 34 ओके पर्पल। सो ये तो काफ़ी डेंजरस था, और ओके 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 कम ऑन एचपी, ओके नाउ डिफेक्ट, नाउ डिफेक्ट, ओके सो बेबी नाउ डिफेक्ट।
वंस मोर देखते हैं लास्ट टाइम। सो इस बार देखते हैं, इस बार कोशिश करूंगा हाई डैमेज देने की। टोटल 45.57% डिफेक्ट किए रैंकिंग बकूरा को, और जो है वो 24% मेरा डैमेज और 75% अदर का और 4.33% अदर का। तो यहाँ पे इसका इमेज का सीपी देख सकते हैं 60 मिलियन था, बट बेबिलियन का ओनली 50 मिलियन। सो यहाँ पे देख सकते हैं सीपी डिपेंड नहीं करता डिफेंड, और इसने ज़्यादा डैमेज दिया इसके मुकाबले। ओके सो गाइस, इस तरीके से आपको पता चल गया कि डैमेज से हाई कैसे होगा, और गियर से मतलब नहीं है, गियर से वही इक्विप कीजिए जिसे आपका डिफेंस पेन डैमेज जिसे ज़्यादा इंक्रीज करे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक और नया डार्कनेस राइज़ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।